हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 6:40 होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किचन में सुबह की गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए रख दिया है। यहाँ पर गर्मा गर्म मसालेदार चाय बन रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ा मसालेदार चाय पिए तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, वॉशिंग मशीन को ऑन करके रखे, कपड़े वॉश हो रहे हैं। और बाहर का मौसम अभी बाहर अंधेरा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलो, अभी सुबह की गर्मा गर्म मज़ेदार मसालेदार चाय तैयार हो चुकी है, और पानी के लिए भी थोड़ा सा चाय रख दिया है। तो चलो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। यानी तैयार है एकदम स्कूल जाने के लिए, 3 दिन के बाद जा रही है। चलो, मास्क है इसका? हाँ, मास्क भी पहन के जाना है ना। चलो आ जाओ, वहाँ तो खैर उतार देते हैं बच्चे। मैगी ले लिया है। टाइम 1:30 बजने वाला है। हनी आने ही वाली है स्कूल से बस 5-10 मिनट में। और अभी मैंने लंच में किया है, चीले का बनाने का प्लान है। तो ये स्पिनच को अच्छे से वॉश कर दिया है 2-3 पानी में, और ये जो हैंडी चॉपर होता है ना, इसमें किसको ग्राइंड कर रही हूँ, मीन्स कट कर रही हूँ, बारीक चॉप कर रही हूँ। और ये चीली ज़्यादा तेज नहीं है, ये इसको ये भी डाल दूँगी मैं फिर। चलिए, और यहाँ मैंने ये भिगा के रखा है उसका बैटर। या हनी आ गई स्कूल से, इधर देखो तो सही, हेलो तो बोल दो। कुछ घास लेके आए, घास का टुकड़ा उसी का, क्या उसी का एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कुछ क्लिप निकाला है उसने हाथ से। इधर आ जाओ, हैंड हैंड क्लीन करो पहले, इधर आओ, हैंड वॉश कर लो, आ जाओ। नो, आई वांट टू गो वेयर। फिर देखो इसकी शैतानी, इधर आ जाओ, हैंड वॉश करो पहले। नो, आई वांट टू गो। Where do you want to go? जाओ हैंड वॉश कर लो, फिर कपड़े चेंज करो, देन लंच। ओके, आज कुछ पढ़ाई की है आपने? यस और नो? मैडम ने बनवाया होगा ना। Wow, it's so nice. दिखा इधर, किसने बनाया ये? आप ही किया बोल रही, मैडम ने बताया होगा ना, दिखाओ ना मुझे काइट। अच्छा, मकर संक्रांत पे आज इसका काइट बन ठीक काइट बनवाया इन लोगों से, छोटे बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, पालक को अच्छे से चॉप कर लिया और अब इसमें डालती हूँ। इतना बारीक किया मैंने, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें ना पालक को अच्छे से चॉप करके डाल दिया है, एकदम बारीक कट किया है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और बस अब मैं इसलिए बनाती हूँ, ये थोड़ा घी है, इसे नॉन स्टिक तवा में बनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कितना ग्रीन ग्रीन अच्छा सा दिख रहा है एकदम। चीला मैंने डाल दिया है, अभी कितना अच्छा ग्रीन दिख रहा है और काफ़ी हेल्दी भी है। इधर पालक मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है और ग्रीन चिली कट करके डाला, अजवाइन डाला है, और बस कितना ही यम्मी सा दिख रहा है ये। कितना प्यारा सा चीला तैयार हो गया बन के, और इसमें ग्रीन ग्रीन कलर भी आ गया जो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब देते हैं। और ये ना
ऐसे मैंने धीमे आँच में सेका है, थोड़ा मतलब वो किया है बैलेंस के, थोड़ा कभी धीमे कभी तेज, तेज तो नहीं करना है, बहुत तेज तो नहीं करना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। चलिए देते हैं, चिल्ला रेडी है, बिल्लों को कैचअप के साथ देती हूँ। अरे यहाँ से थोड़ा सा टूट गया, तो टूट के गया कहाँ? अच्छा यहीं से, ये इधर चिपक गया होगा। ओके, मैं थोड़ा घी कम लगाया ना मैंने इसमें, तो अच्छा लग रहा है ये। 6:10 हो गया, हनी जस्ट सो के उठी है, सो गई थी लेट, अब आज रात में नाइट शिफ्ट है इनकी और हम सब की। हनी, ओ बाबू इधर देखो तो सही, मूड इज नॉट गुड, किंडर जॉय मांग रही, जो कि फिनिश हो चुका है। हनी का मूड कुछ ठीक नहीं है, सो के उठी था, चिड़चिड़ी कर रही है, बुक्स पूरा फैला रखे हैं टेबल पे क्योंकि होमवर्क है, तो बस अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अनी इधर देखो तो सही, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कहाँ है किंडर जॉय, है किंडर जॉय की डिमांड है, और ये यहाँ चाय बनाने की तैयारी में, अब मैं हनी को पढ़ाने की तैयारी में। क्या कर रहे हो आप? मैं पढ़ा लूँ उसको? चलो भाई, शाम की अभी गर्मा गर्म इवनिंग चाय मसालेदार बन रही है, और ये हनी का कॉम्प्लेन वाला और टर्मरिक वाला दूध तैयार हो चुका है। अभी हनी पढ़ाई के लिए बैठी है, ये हनी बस अभी जस्ट 10-15 मिनट हुए उठ के फ्रेश हुई है, अभी ये पढ़ने के लिए बैठी है, और साथ साथ में अपने बालाजी वाला फेवरेट चिप्स खा रही है। हनी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा? संदीप मैडम के। ओके, मैथ। तो कभी वो सब्जेक्ट का नाम लेती है, कभी कभी वो मैडम का नाम ले रही थी जो मैडम पढ़ा रही है, है ना? तो चलो ठीक है, दूध पी लो और पढ़ाई करो। ओके ओके बोलो। ओके, हनी टच सिरप के साथ में काढ़े का पैकेट मिला था, तो ये काफ़ी टेस्टी है और इससे गला में काफ़ी अच्छा लगता है, तो अब गले के लिए ये कफ कोल्ड के लिए, तो मैं हनी को बोल रही हूँ, और मतलब स्पाइसी भी नहीं है, तो मैं हनी को बोल रही हूँ, ये लो ये जी, मैं खाना लेके बैठ जाती है। हनी काढ़ा है पीना? नहीं नहीं, थोड़ा सा यार। नहीं मुझे नहीं। आपको नहीं पीना? नहीं नहीं, थोड़ा सा पी ले। इस मिर्ची अच्छा होता है? मिर्ची नहीं है बिल्कुल भी बेटा, वो मेडिसिन काढ़ा होता है, थोड़ा सा टेस्ट करो। ये क्या है? आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ओके आपको नहीं पीना है, मुझ
नहीं पीनी। मुझे नहीं पीनी। ठीक है, आपको नहीं पीनी तो ठीक है, आप हनी टेस्ट सिरप ही पीना फिर। हनी जय जय करो आगे आप। मम्मा को दे दूं। 1 2 3 बोल गणेश भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, बोल बजरंग बली की जय, वाले माता की जय, वाले माता की जय, वाले माता की जय। इसका तार से भारत माता की जय में ही होता है इसलिए खुश। हाँ टीका भी लगाना, फैलाना नहीं लेकिन। लो टीकू सर्किल पे खड़ा हो।
मामा टिकू ऊपर ये वो है ये अच्छा नीचे लगाना है ऊपर लगा दे बोले ये लो पापा टिकू ऑल फिनिश चलो भाई शैतान बच्चे जल्दी से पढ़ने के लिए आ जाओ शूज पहनो जाओ अपने रेड शूज पहन लो बेटे जल्दी से पहन लो है ये सो जाती है शाम को देर तक ना फिर पढ़ाई भी फिनिश नहीं हो पाती है और उसके बाद नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम है फिर असेसमेंट है तो उसकी पढ़ाई कराते ही रहना पड़ता है चलो अभी मेरा और हनी का डिनर तो हो चुका है अब हम उसके बाद लास्ट हमारा दूध और उसमें मखाना डाल के फेवरेट हनी का और कॉम्प्लेन पे डाल के दूध को पी रहे हैं। ये हनी के पूरे ड्रेसेस मैंने निकाल के रखे हैं कल इसे स्कूल में मकर संक्रांति पोंगल और लोहड़ी ये सब सेलिब्रेट करेंगे तो कल स्टडी नहीं है कैंपिंग एक्टिविटी भी होगी तो कल सिविल ड्रेस में जाना है तो वही सोच रही हूँ क्या पहनाऊँ उसको समझ में नहीं आ रहा ये पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ वहाँ भी नया पड़ा हुआ है तो ये सिलेक्शन चल रहा है क्या पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ चलो देखते हैं अरे क्या फैला रखा है इतना रात को बिस्तर में सारा ये हनी के कल स्कूल में सिविल ड्रेस है कल सेलिब्रेशन होगा मकर संक्रांति पोंगल अच्छा मकर संक्रांति उसके लिए फंक्शन है उसका हाँ और कल स्टडी नहीं है तो ठीक है ना एक ड्रेस निकालो पहनो और भेज दो इतना क्या फैशन कर दे मतलब विंटर सीजन है तो उसको उस हिसाब से जैसे ये ब्लैक वाला कैसा लग रहा है ठीक है सभी ये अच्छा। वो है स्वेटर है ब्लैक वाला ओके ओके ठीक और ये वूलन लेगिंग्स है तो इसके साथ कौन सी लेगिंग अच्छी लगेगी येलो वो दोनों अच्छी लगेगी दोनों ही अच्छी येलो भी ठीक है वो भी ठीक है मैंने निकाल दिया सुबह पहनाने में पता चलेगा है ना क्योंकि कल ऐसा कैंपिंग एक्टिविटी है तो ये लोग कैंप वैम्प लगाएंगे बढ़िया ठीक है बढ़िया है बच्चे के ऊपर सब अच्छा लगता है ऐसा कोई बात नहीं है तो मैंने फाइनली ये सेलेक्ट किया ठीक है ठीक है आपने फाइनल कर दिया तो फाइनल डन हो गया ठीक है तो इतना कोई आप वो मत लो फाइनल हो गया आपका ठीक है मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है आपने जो कर दिया ठीक है ओके ले आए आप सामान सामान कभी शॉपिंग खत्म नहीं होता नहीं होता घर का सामान ये लो भाई सूप आ गया है ये सब आ गया आपके अभी सबसे बड़ा सिर दर्द मेरे लिए इन्हें जमाना होता है मैगी आ गया आप लोगों का मैं तो अब मोनेको ही खाती हूँ और तो कोई बिस्किट मैं खाती ही नहीं और मुझे बहुत टेस्टी भी लगते हैं चाय के साथ ना मैगी थोड़ा कभी कभी इमरजेंसी में क्या करें वैसे तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हाँ हनी क्या करती है ब्रश को इतना चबाती है ना कि थोड़े दिन में खराब हो ठीक है इतना कोलगेट क्या पूरे साल भर का ले आए क्या हो गया बस इतना ही है कभी भी खाने के खाना बनाने का मौका ना मुझे तो मैगी तुरंत बना के कर सकते हो अभी ठंड में मटर डाल के खाओ ना तो टेस्टी लगती है चलो बहुत ज़्यादा तो नहीं है सामान पर ठीक है जो चाहिए था वो मिल गया मेन चलो ठीक है अभी मैं आपको स्टीम लेने का तरीका बताऊंगा ये बिग्स है यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है ठीक है जैसे ये पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना इसमें थोड़ा सा बिग्स डाल देना और बिग्स डालने के बाद फिर इस तरीके से अरे मैं विक्स ही लगा लेती हूँ ना नाक में उससे ज़्यादा से इसका ज़्यादा असर होता है क्योंकि वो अंदर तक जो भी है ना आप जो आपको इसको सर को ऐसे करके ना मुंह को ऐसे ढके अरे देखो दूर रहो आप एकदम ऐसे से लंबी सांस लेते रहे दूर रहो मैं समझ गए दूर रहो ना जल जाओगे कैसे जल जाएंगे गैस ऑन है ना तो टॉली में आग वाग ना पकड़े ना इससे ओके ये करने ऑफ कर गया अभी मैंने आपको जो दिखाया ऑन करके दिखाया बाद में भी जैसे पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर आपने पानी थोड़ा और गर्म हो जाए अभी नहीं हुआ ना
ठीक है। हनी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम दे ताली। यस चलो अभी सोने की तैयारी करते हैं। हनी क्या है, कल स्कूल भी जाना है ना, कल तो टाइम पे उठ जाना। ठीक है ठीक है, ओके चलो अब बाय कर दो। बाय बाय। गुड नाइट।